नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इनोवेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उन बच्चों के लिए जो अपना करियर मैरीन इंजीनियरिंग में बनाना चाहते हैं। इसकी काफ़ी डिमांड थी मार्केट के अंदर। मुझे पेरेंट्स बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो बच्चे मैरीन इंजीनियरिंग फॉरेन कंट्री से करना चाहते हैं, उनके लिए सर आप एक वीडियो बनाएँ। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है जिन बच्चे फॉरेन कंट्री से जाकर इन इंजीनियरिंग को करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं इंडिया से स्टार्ट करता हूँ। इंडिया के अंदर जो मैरीन इंजीनियरिंग के अप्रोक्स जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ है वो अप्रोक्स 45 हैं, और इनकी जो लोकेशन है वो मुंबई में लेकर चलें, पुणे में लेकर चलें, कलकत्ता में लेकर चलें, चेन्नई और कॉम्बे टूर में लेकर चलें, दीज आर द मेन लोकेशंस। अभी इनमें आपने जब एडमिशन लेना है उसके लिए इंडिया के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, कुछ ये कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जो है वो जो स्टेट लेवल के कुछ इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसके बेस के ऊपर भी एडमिशन दे देती हैं। अगर कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो दे आर आस्किंग जेई का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है या सीईटी, इसको कॉमन इंट्रेंस टेस्ट कहते हैं। ये तीनों में से तीनों चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, डिपेंड ऑन द कॉलेज और यूनिवर्सिटी जिसमें आप एडमिशन लेंगे। तो जैसे नीट का टेस्ट एनटीए ऑर्गेनाइज करती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसी तरीके से सीईटी का जहाँ हुआ, जेई का हुआ, तो वो भी एनटीए ही ऑर्गेनाइज करती है। और नीट से रिलेटेड, एमबीबीएस से रिलेटेड मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ हैं। इवन जनरल स्टडी से रिलेटेड भी है, जो बच्चे इंजीनियरिंग अनदर स्ट्रीम में करना चाहते हैं या बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं या ह्यूमैनिटीज़ में कुछ करना चाहते हैं या मेडिकल में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारी वीडियोस हैं। तो ये कंट्रीज़ बहुत ही बढ़िया कंट्रीज़ हैं मेरे पास, ये 10 कंट्रीज़ हैं। यहाँ से आप मैरीन इंजीनियरिंग बिल्कुल इकोनॉमिकल बजट में कर सकते हैं। जिन बच्चों को एडमिशन इंडिया में नहीं मिलता, जिन बच्चों को एडमिशन इंडिया में नहीं मिलता ड्यू टू उनके परसेंटेज कम है, जहाँ वो इस टेस्ट को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ वो चाहते हैं कि मैं इंडिया से भी बेस्ट कंट्रीज़ के अंदर अपनी ये मैरीन इंजीनियरिंग करके आऊं। और मैरीन इंजीनियरिंग के अंदर क्या है मैं उसके बारे में भी सारा कुछ डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ये बहुत ही बढ़िया सारा का सारा इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो चाहे आपने इसमें बैचलर बीटेक करनी है, चाहे आपने एमटेक करनी है, चाहे आपने इसमें डॉक्टरेट करनी है जिसको हम पीएचडी कहते हैं, उनके सारे के सारे ये ऑप्शन हैं मेरे पास। ये 10 कंट्रीज़ हैं, मैं उनके डिस्कस करूंगा। बट वर्ल्ड के अंदर जो बेस्ट मैरीन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस हैं, पहले मैं उसके बारे में डिस्कस करूं। स्विट्जरलैंड से हम स्टार्ट करेंगे। यूएसए है, स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, चाइना है, हांगकांग है, ऑस्ट्रेलिया है, ताइवान है, तुर्की है, रशिया है और यूके है। दीज आर द जो मेन कंट्रीज़ हैं मैरीन इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही फेमस है। बट जो मैं 10 कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा वो भी बहुत फेमस है, उनमें आप बजट के अंदर अपनी मैरीन इंजीनियरिंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इंडिया की फ़ीस को कंपेयर करते हैं उन कंट्रीज़ के साथ, वो बहुत ही इकोनॉमिकल है। इवन आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा जब आप अपनी मैरीन इंजीनियरिंग इन कंट्रीज से जाकर करेंगे। तो वो कंट्रीज़ के नाम भी बताऊँगा, पहले मैं इंडिया की फ़ीस के बारे में डिस्कस करूँ। इंडिया के अंदर जो मिनिमम फीस है, अगर आपको आईआईटी में एडमिशन मिल जाती है मैरीन इंजीनियरिंग बीटेक में, तो 2 लाख 2 ढाई लाख से स्टार्ट होकर 18 लाख रुपए की है, डिपेंड आप प्राइवेट से कर रहे हैं या व्हाट्सएवर से कर रहे हैं। तो जो मैं आपको इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ वो 10 कंट्रीज में से उनकी जो फ़ीस है 3000 यूरो से लेकर 4000 यूरो की है। और 3000 यूरो में साल की ट्यूशन फीस है और साथ में अकोमोडेशन भी बीच में इंक्लूड है। ऐसी ऐसी कंट्रीज़ हैं हमारे पास, और इसमें हमारे पास कौन कौन सी फैकल्टीज़ हैं, कौन कौन सी स्ट्रीम्स हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले मैं कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा। यहाँ से आप एक इकोनॉमिकल और बढ़िया ये मैरीन इंजीनियरिंग की बीटेक, एमटेक और डॉक्टरेट कर सकते हैं। वो कंट्री मेरे पास 10 कौन कौन सी है, पोलैंड है, लाटविया है, मोंटीनिग्रो है, यूक्रेन है, लिथुआनिया है, तुर्की है, अजरबैजान है, बुल्गारिया, रशिया और जॉर्जिया है। दीज आर द 10 कंट्रीज़ जिनमें आप इस बजट के अकॉर्डिंग जो मैंने बताया है उसमें आप अपनी मैरीन इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में भी मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी, उसके में भी मैं बताऊंगा कि अगर आपने
पायलट बनना है या एरोस्पेस में कोई इंजीनियरिंग करनी है, तो कौन सी इकोनॉमिकल कंट्रीज़ हैं, उसका भी मैं आने वाले टाइम में बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊँगा। और जितनी भी ये मैंने कंट्रीज़ बताई हैं, इनका बजट बहुत ही इकोनॉमिकल है, 3,000 से लेकर 4,000 का है। कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है, 50% वाला बच्चा भी इसमें एडमिशन ले सकता है। 10th के बाद डिप्लोमा किया है वो भी बच्चा ले सकता है, लेकिन इनकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 12th है, जो पीसी एम के फिजिक केमिस्ट्री मैथ के साथ होनी चाहिए। तो इनमें इजीली एडमिशन आपको मिल सकता है। तो मेरे पास जो फैकल्टीज़ हैं कौन कौन सी हैं मैरीन इंजीनियरिंग में, या मास्टर में, या बैचलर में, या डॉक्टरेट में, मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। तो बैचलर में मैरीन नेविगेशन इंजीनियरिंग, इसमें आपको 4 ईयर्स की बीटेक मिल सकती है। शिप बिल्डिंग का भी वहाँ पर बीच में है, एंड शिप रिपेयर इंजीनियरिंग, अगर आप इसमें अपनी बैचलर करना चाहते हैं शिप बिल्डिंग या शिप रिपेयरिंग में, उसमें भी आपको बीटेक करवा सकते हैं। मास्टर में मेरे पास कौन कौन सी है, शिपिंग एंड शिप ट्रैफिक मैनेजमेंट, इसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो मैं आपको बता दूं, शिप ट्रैफिक मैनेजमेंट के ऊपर है। तो एक और मेरे पास मास्टर है एमटेक, जिसको कहते हैं मैरिन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसके अंदर जो मेरे पास दो स्पेशलाइजेशंस हैं मास्टर के अंदर, एक शिप बिल्डिंग है, दूसरा शिप रिपेयर है। तो इसी तरीके से डॉक्टरेट अगर आपने इसी में करनी है, ये सारे के सारे प्रोग्राम आपको मैक्सिमम इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में मिलेंगे। और इवन कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हमारे पास है, वो बच्चों को फूड भी प्रोवाइड करते हैं, बट हम फूड की कमिटमेंट किसी भी बच्चे के साथ नहीं करते, क्योंकि फूड हर एक जो नेशनल है उसका अपना अपना टेस्ट रहता है। अगर हम फूड की कमिटमेंट करते तो बच्चे वहाँ से जाकर फ़ोन करना स्टार्ट कर देते, सर यहाँ तो मिलता है नॉन वेज है, हम तो वेजिटेरियन, ये वेजिटेरियन प्रोवाइड नहीं करते। इसलिए हम सिर्फ जो भी फैक्ट होता है उसको पहले बता देते हैं कि हम ये यही सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ताकि किसी भी क्लाइंट की कोई कंप्लेंट ना रहे। और हम मिनिमम चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं, मैक्सिमम कभी भी कोई चीज़ नहीं बताते हैं। तो डॉक्टरेट में अगर आपने कुछ करना है, पीएचडी ये 4 साल की है, वो 4 साल की थी आपकी, बीटेक भी, एमटेक 2 साल की है। जो डॉक्टरेट में अगर आपने पीएचडी करनी है, तो दो पीएचडी है मेरे पास स्ट्रीम्स, वो कौन कौन सी है, शिपिंग एंड एक्सप्लोटेशन ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, शिप बिल्डिंग एंड शिप रिपेयर टेक्नोलॉजी, इसके अंदर आपको आपकी पीएचडी मिल सकती है। इसी तरीके से मेरे पास एक उनकी और फैकल्टी है इसी मैरीन इंजीनियरिंग से रिलेटेड, वो फैकल्टी ऑफ शिप मैकेनिक एंड इलेक्ट्रो मैकेनिक, इसके अंदर भी मेरे पास बीटेक है, एमटेक है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। अगर आपने इसमें बीटेक करनी है, वो बीटेक किसमें है, हमारे पास ऑपरेशन ऑफ शिप पावर प्लांट्स, इसमें आपको मिल सकती है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में मिल सकती है। अगर आपने मास्टर करनी है मैरीन टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट एक्सप्लोटेशन में मिल सकती है, और मास्टर की जो स्पेशलाइजेशन है ऑपरेशन ऑफ शिप प्लांट्स है। इसी तरीके से मास्टर मेरे पास और है 2 साल की, जिसको हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहते हैं, जिसमें शिप इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम है। अगर आपने डॉक्टरेट करनी है, तो डॉक्टरेट में शिपिंग टेक्नोलॉजी है 4 साल की, वो भी आपको मिल सकती है। ये मैंने जो चार कंट्रीज आपको 10 कंट्रीज बताई हैं, इन 10 कंट्रीज का अनदर 18 यूनिवर्सिटीज और कम से कम 20 कंट्रीज के साथ फर्दर टाई अप है, एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू आप एक दूसरी कंट्री में भी जाकर अपना जो एक्सपीरियंस एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये भी एक बेनिफिट है। तो इसके अंदर जितने भी मैंने ये प्रोग्राम बताए हैं, 9 मंथ का जैसे प्रोग्राम है पहले साल के अंदर, तो 3 महीने की उसके अंदर इंटर्नशिप रहती है। तो ये बहुत ही बढ़िया मैरीन इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है। अगर आप अपना कैरियर मैरीन इंजीनियरिंग में बनाना चाहते हैं, क्राउन इमिग्रेशन इसमें भी आपकी हेल्प कर सकती है। तो इस टाइप की मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो डेली अपने चैनल के ऊपर डालता रहता हूं, और आप चाहते हैं जो भी मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल के ऊपर डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ जाए, तो आपको इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, साथ में लगे हुए बेल आइकन को पुश करना पड़ेगा। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना भूलें। थैंक यू।